नमस्कार साथियों, स्वागत है फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट फार्मेसी लीडर। आज मैं एक आई ड्रॉप के बारे में बात करूंगा जो आई और ईयर दोनों की दिक्कतों को दूर करने में सहायक होती है, जिसका नाम है डैक्सिन। तो डैक्सिन आई और ईयर ड्रॉप्स होती है जो 5 ml की पैकिंग में मार्केट में आती है और जिसका जो MRP है वो 21 rupees होता है। यानी कि जो 5 ml की पैकिंग आती है इसका MRP जो है 21 होता है। तो इसके अंदर डेक्सामेथासोन सोडियम पाया जाता है, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट बोरिक एसिड एंड नियोमाइसिन सल्फेट इसके अंदर पाया जाता है। सिंथो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो जानेंगे ये क्या है और कितने की है, कब लेना है, कैसे लेना है, क्या इसकी डोज है, कितने दिन लें, क्या इसके यूजेज हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानते हैं ये क्या है। तो ये आई और ईयर ड्रॉप्स है जो आँखों की और कानों की समस्याओं को दूर करता है। तो इसके कंपोजिशन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 0.11% वेट वाई वॉल्यूम पाया जाता है, जो इक्विवेलेंट टू डेक्सामेथासोन फॉस्फेट 0.1% वेट वाई वॉल्यूम होता है। नियोमाइसिन सल्फेट इसके अंदर इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 0.5 पाया जाता है और इक्विवेलेंट टू नियोमाइसिन बेस 0.35% WY वेट होता है। बोरिक एसिड इसके अंदर जो है इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 1.2 पाया जाता है और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार इसके अंदर 0.001 पाया जाता है। एज प्रिजर्वेटिव इन एक्वस बफर्ड बेस इसके अंदर होता है। तो अब जानते हैं ये कितने की है। तो हम बता चुके हैं 21 rupees की ये होती है। अब इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, यह बैक्टीरिया पैदा कर आँखों में जो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, पैदा करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। यानी कि जब आँखों में कोई दिक्कत होती है तो बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो ये क्या करता है, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। आँखों में दर्द हो, सूजन हो, आँखों में लालपन की समस्या है, आँखों में खुजली है और आँखों में जलन से राहत दिलाने में ये मदद करता है। तो यानी कि यदि आपकी आँखों में दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है, लालपन आ रहा है, खुजली जलन हो रही है, तो उन सब समस्याओं को ये दूर करता है। धूल मिट्टी जब आँखों में चली जाती है तो ऐसी ये कॉमन प्रॉब्लम होती हैं तो उसको ये ख़त्म करता है। ओवरऑल आँखों की सभी समस्याओं में कारगर होता है और शेड्यूल H कैटेगरी की ड्रग है। तो आँखों के चिकित्सक द्वारा ये व्यक्ति को दी जाती है। अब जानेंगे कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो साथियों, इसके नो रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, फिर भी यदि इसको आँखों में डालने के बाद आपको कोई दिक्कत होती है, एलर्जी होती है या रेडनेस ज़्यादा बढ़ती है तो तुरंत प्रभाव से इसका सेवन बंद कर दें और अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें। अब स्पेशल सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो डॉक्टर की सलाह से इस आँख के ड्रॉप का सेवन करें, अपनी आँखों में डालें। ड्राइविंग करने के बाद इसको आँखों में डालने के बाद तुरंत ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इसको डालने के बाद क्या होता है, थोड़ी आँखों में थोड़े समय के लिए जो है धुंधलेपन की समस्या रहती है। तो इसको डालने के तुरंत बाद ड्राइविंग कभी ना करें। दूसरा, यदि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या आपको हर्पीज की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसको हमेशा इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल ना करें। अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं कैसे वो करना है। तो आपको जो ये आँखों की ड्रॉप है, ये आँखों के लिए क्या है, 102 बूंद दिन में 3 बार आँखों में डालनी है, सुबह, दोपहर और शाम। और इसको खोलने के बाद यदि 1 माह आप इसको खोल लेते हैं तो 1 माह के बाद इसका इस्तेमाल ना करें। 1 माह के बाद ये कंटेनर खुलने के बाद बेकार हो जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ था। तो आशा करते हैं जो डैक्सिन आई और ईयर ड्रॉप्स के बारे में हमने आपको बताया वो, अब कानों के केस में भी यही है कि कानों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर कानों में भी इसको डलवाते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं मेनली ये आँखों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य बताएं, हम आपके सारे डाउट क्लियर दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको रिप्लाई भी देंगे। और देखते रहिए फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।